ओम परमात्मने नमः। रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इन्द्रियाणि प्रमाथिने हरन्ति प्रसभं मनः। हे कारण के कौन्तेय, हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यततः प्रयत्न करते हुए विपश्यतः विद्वान पुरुषस्य मनुष्य की अपि भी प्रमाथीने प्रमथनशील इंद्रियाणि इंद्रियां मन उसके मन को प्रसभम बलपूर्वक हरंती हर लेती है। अर्थात यततो ह्यपि प्रसभम मन, जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हरेक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है, जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उसका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहां यततो ह्यपि पुरुषस्य विपश्यता पद आए हैं। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खिंच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वदा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यत्किंचित सत्ता रहती है। विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वदा बस में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां बस में हैं ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूं। अतः 60वां श्लोक यहां समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखें। ओम जय राधे कृष्णा।